आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक के शुभ फिल्म्स में। दोस्तों, जब भी हम अपना घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, तो उसको बहुत ही प्यार से बनाते हैं। उसमें जो एक एक ईंट जोड़ते हैं वो बहुत ही प्यार से जोड़ते हैं। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि कोई उसको तोड़ दे तो आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत के ऑफिस जो कि बैंड्रा में है, उसको जो है आज बीएमसी ने उसका काफ़ी हिस्सा तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी हिस्सा जो है वो इलीगल बना हुआ है और उसको जो उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह कंगना रनौत ने जो है इसको सजाया था, इसको जो है इतना अच्छा बनाया था। मतलब वो आगे बढ़ना चाह रही हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि खिलाफ हो गई हैं और मुंबई में तो आप जानते हैं जो है बहुत ही पावर में है। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, मतलब कितना सुंदर जो है उन्होंने इसको बना रखा है। एक एक दीवार का रंग देखिए, मतलब कितनी सजावट की गई है और इसकी तारीफ जो है मतलब बहुत ज़्यादा हो भी रखी थी ऑलरेडी। यही होता है, जो आपके दुश्मन होते हैं उनको जो है आपकी चीज़ खटकती है, वो कभी भी आपकी सफलता को नहीं देख सकते हैं। और यही हुआ कंगना के साथ भी, क्योंकि वो जो है थोड़ा खिलाफ बोलती हैं, हमेशा सच बोलती हैं। ये नहीं, वो ये नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो जो मन में आता है बोल देती हैं, एकदम सही बोलती हैं। और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। ये कुछ फोटोज भी हैं उनके ऑफिस की, आप देखिए, मतलब कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएमसी ने जो उसको तोड़ दिया तो उसके बाद जो है वो कैसा लग रहा है। ये जो आप वीडियोस अभी देख रहे हैं, ये वीडियो जो है कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई है। और मतलब देखिए कि क्या बुरी हालत कर दी है, मतलब बिल्कुल गलत किया गया है। मतलब दुश्मनी अगर आपको निभानी है तो किसी और तरीके से निभाओ ना यार। ये क्या होता है कि आप सफलता को पा रहे हो तो आपकी सफलता में मतलब बीच में रुकावट बनना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने भी जब आज सुबह इसके बारे में न्यूज सुनी तो मुझे बहुत शॉक लगा कि मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं नोटिस मैंने वेडनेसडे को भेज दिया, लेकिन नोटिस जो है कंगना रनौत को कल या परसों मिला था। मतलब कुछ सही हो नहीं रहा। लेकिन कंगना जो है वो है हिम्मत वाली। उन्होंने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है और ये जो है उनको और ताकत दे रहा है। और उनको ये पता चल गया है कि उनके दुश्मन जो है उनसे डर गए हैं, बिकॉज डरते हैं वही ऐसा काम करते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं एक एक ईंट का बदला तुम लोगों से लूंगी और देखना, वो जरूर जो है इसका बदला लेंगी। मतलब इस वीडियो से मैं कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो घर होता है, ऑफिस होता है, उसे लोग बहुत प्यार से बनाते हैं। तो किसी का घर या ऑफिस मत तोड़ो यार। एटलीस्ट अगर आपको दुश्मनी निभानी है तो इन फ्रंट में सामने आके बोलो। ये नहीं होता जो घर का मालिक है वो बाहर में है और आप पीठ पीछे जो है उसे घर को तोड़ रहे हो। मतलब जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय कंगना रनौत जो है मुंबई में थी भी नहीं। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है वो वहां से निकली और उनको जो है इस समय वाई प्लस सिक्योरिटी मिल रही है। तो आप देखिए कि कंगना रनौत की जो एंट्री हुई है वो कैसी हुई है। मतलब एकदम जो होता है ना ऐसी एंट्री, तो मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनकी भी नहीं होती है जैसी एंट्री कंगना रनौत की हो रही है। मतलब चारों तरफ से जो है उनको ऑफिसर्स ने घेर रखा है। मतलब एक मक्खी भी और उसके आर पार निकल जाए और कंगना रनौत को छू भी ले तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एंट्री जो है मतलब ये दमदार थी। और मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो कंगना रनौत है वो जरूर पॉलिटिशियन बन जाएंगी, जैसा मतलब लग रहा है मुझे देखने में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सो फिलहाल आज के लिए बस इतने रखते हैं। आई होप आप लोग वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों के पास मेरे कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं सो फोर प्यारे पहले वाली वीडियोस सब्सक्राइब टू मयंक केश फिल्म्स। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन है, दबा के नोटिफिकेशन पर टिक कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए बाय। तेरी आंखों में